अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर थ्री ऑफ यूनिट वन दैट इज साइटोप्लाज्म आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द साइटोप्लाज्म कम्पोजिशन ऑफ ए साइटोप्लाज्म एंड द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म डियर स्टूडेंट्स जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप ख़ुद एक्सप्लेन कर सको साइटोप्लाज्म क्या है उसकी कम्पोजिशन क्या है और उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म वट इज साइटोप्लाज्म इट इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेल द इनसाइड ऑफ सेल मोस्टली कॉन्सिस्ट ऑफ ए लाइक सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाजम इट इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाजम आर कॉल्ड ऑर्गेनालीज डियर स्टूडेंट्स हम सेल का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं सेल मेम्ब्रेन ब्रेन साइटोप्लाजम एंड न्यूक्लियस सेल के इस डायग्राम में आपको ये तीनों कंपोनेंट शो हो रहे हैं सेल की जो बाहिर लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो राउंडर शेप स्ट्रक्चर है दैट इज़ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी जेली की तरह का मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, और यह साइटोप्लाजम सेल के अंदर मुसलसल मोशन में मूव करता रहता है इसी साइटोप्लाजम के अंदर और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उनको हम ऑर्गेनालिस कहते हैं सेल कि अब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वट इज द कम्पोजिशन ऑफ ए साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर एंड डिजॉर्ब न्यूट्रेंट्स सच एज फैटी एसिड शुगर अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स दीज न्यूट्रेंट्स हेल्प इन वर्किंग ऑफ द सेल अगर हम कम्पोजिशन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिल बनता है तो वो है वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रंट्स हल हुए न्यूट्रंट्स जिसमें हमारे पास आएंगे फैटी एसिड्स फैट्स ऑयल्स शुगर अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर प्रोटीन्स बना देते हैं जो न्यूट्रंट्स हैं एंड इन्जाइम्स इन्जाइम्स क्या हैं इज़ाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन रिएक्शंस को कौन स्पीड से करवाता है कि वो जल्दी से हो जाए इंजाइम्स तो साइटोप्लाज्म के कम्पोजिशन में क्या क्या है वाटर एंड डिजॉर््व्ड सच एज फैटी एसिड्स शुगर अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो न्यूट्रंस प्रेजेंट है ये फिर सेल को हेल्प करते हैं कि सेल इन्हीं न्यूट्रंस को यूज़ करें और अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें वट आर दी फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाजम अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाजम के फंक्शंस क्या क्या हैं फर्स्ट फंक्शन इज साइटोप्लाज्म गिव्स शेप टू अ सेल साइटोप्लाज्म सेल को प्रॉपर शेप देता है अभी हमने कम्पोजिशन में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है और डिजॉल्व न्यूट्रंस हैं वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ऑलमोस्ट 80 परसेंट साइटोप्लाजम के अंदर वाटर प्रेजेंट है इसी वाटर की वजह से सेल जो है वो फिल है भरा हुआ है तो उसकी एक प्रॉपर शेप है अगर साइटोप्लाज्म निकल जाए तो ये सारा वाटर भी निकल जाएगा और सेल जो है वो फ्लैट हो जाएगा उसकी प्रॉपर शेप नहीं रहेगी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बैलून लो उसमें जब आप हवा भरते हो तो उसकी एक शेप आ जाती है लेकिन जैसे ही हवा निकलती है बैलून फ्लैट हो

अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म जो है वो मोशन में है मुसलसल मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर फिर जितनी भी ऑर्गेनाइलिस प्रेजेंट हैं वो भी साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल के अंदर मूव करेंगी लास्ट फंक्शन इज आल्सो हेल्प्स इन डिजोल्विंग वेस्ट प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर टेकन आउट ऑफ द सेल जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर आके डिज़ोल्व होते हैं साइटोप्लाज्म उन्हें अच्छे से हल करता है उसके बाद वो सेल से बाहर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स जो आज का हमने टॉपिक था उसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा उसकी कम्पोजिशन देखी और उसके डिफरेंट फंक्शंस देखे तो आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने रीडिंग करनी है पेज टू पे जो साइटोप्लाज्म का टॉपिक है दो से तीन बार आप उसकी रीडिंग कर लें और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है क्वेश्चन नंबर टू इज़ वट इज़ द कम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज़म साइटोप्लाज़म की कंपोजिशन क्या है एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट आर द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज़म साइटोप्लाज़म के फंक्शन क्या हैं थैंक यू